आपसे कहना चाहेंगे कि आज ये कोई जलसा तो है नहीं, बल्कि हमारे जो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके जन्मदिन से ही हम 17 सितंबर से ही हमने ये काम शुरू कर दिया है कि जहाँ जहाँ पे भी काम करने हैं, जैसे ये आज मेडिकल कम ब्लड डोनेशन, बीमारों को एडॉप्ट करना और गरीबों तक वो सारी स्कीम्स पहुंचाना जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किए हैं, ज़मीनी सतह पे वो चीज़ें पहुंचे, ताकि जो असल में मकसद है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि अवाम और सरकार में दूरी ना रहे, अवाम के लिए जो सरकार की फैसिलिटीज़ हैं वो अवाम तक पहुँचे और निचले स्तर के लोगों तक पहुँचे। ये मेरी माएँ बच्चियाँ जो यहाँ पर बैठी हैं, उनके लिए जो दवाई है, ये दवाई जब हम बाज़ार से लाते हैं, किसी मेडिकल स्टोर से लाते हैं, जो 100 रुपये में मिलती है, वो यहाँ आपको एक आज की डेट में मुफ्त मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत का जो कॉन्सेप्ट दिया, उसमें हमने देखा कि हम जब ये दवाइयाँ लाते हैं, ये हमें बाहर 50 रुपये, 100 रुपये, 5000 में मिलती है, लेकिन जब हम इन दुकानों पे जाते हैं जो गवर्नमेंट ने स्टोर्स बनाए हैं, उसमें ये 10 रुपये की दवाई 5 रुपये में मिलती है, 2 रुपये में मिलती है। यानी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सोच के कि कोई भी बीमारी से ना जूझे, कोई भी बीमारी से ना परेशान हो जाए, हर इंसान तक दवाई पहुंचे, मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे। आजकल हम देखते हैं दिन दहाड़े ही या आए दिन हमारे सामने कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं, अल्लाह सबको बचाए, जिसका इलाज नामुमकिन था, जिसका इलाज होता ही नहीं था। उसके लिए जो आयुष्मान गोल्डन कार्ड्स बनाए गए, हर एक को इंश्योरेंस दी जाती है, ताकि हर कोई अपनी बीमारी के बाद, जो उनको बीमारी होती है किसी भी इंसान को, क्योंकि हर एक इंसान आए दिन बीमार हो जाता है, ताकि वो हॉस्पिटल जाने से कतराता था और उसको कोई इलाज की फराहमी नहीं होती थी। लेकिन आज आप देखिए, खासकर जम्मू कश्मीर में सबों के लिए वो फैसिलिटीज़ फराहम की गई। हम चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो दवाई की बात हो, चाहे वो हमारे किसान भाइयों की बात हो, बेटे की पढ़ाई, बेटी की पढ़ाई, शादी तक जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, वो हमारी गवर्नमेंट ने हर एक इंसान तक पहुंचाने की, और उसकी रसाई बहुत, जो पहले मुश्किल होती थी, अब बहुत आसान हो गई है। आज मेरी बहनों को बुलाया गया है यहाँ सामने, जो खान साहब हर जगह इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हम पहले भी कुलगाम आए, हर एक जगह गए, ये दीरेना गांव जो दूर दूर के इलाके होते हैं, वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब पहुँचते हैं, और इनको दर्द है अपने इलाके का, अपने लोगों को। मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, जो पार्टी के प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ पर अमलाते हैं ज़मीनी सतह पे। इनके साथ ही हमारे बिलाल भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये भी कोशिश करते हैं कि पार्टी का, ये हमारा एक परिवार है और इस परिवार में आप सारे हमारे साथ हैं। चौधरी साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताई, उन्होंने कहा कि हमें ये हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब हम आए थे पहले, तो जो भी हमें, जो हमसे तब भी बन पाया, तब हम चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड यहाँ नहीं थे, तब हम दिल्ली में थे,
तब भी आबिद साहब ने जो हमसे कहा, हमसे जो बन पाया, चाहे वो टूरिज्म के नक्शे पे कोई जगह लानी थी, वो भी आबिद साहब के होते हुए हमने 2 दिन में वो काम भी कर दिया, एलजी साहब से बताकर, एडमिनिस्ट्रेशन से बताकर, चाहे पावर का मसला था कहीं, रिसीविंग स्टेशन का मसला था या ट्रांसफार्मर्स का मसला था, जो भी, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि ये आपके लिए सोचते हैं, अपने इलाके के लिए सोचते हैं, काम के, बीजेपी का मकसद ही है, हमारा होनहार लीडर यहाँ पे मंजूर साहब हमारे साथ हैं, ये भी देखिए श्रीनगर में बैठे हुए हैं, तमाम इलाकों से इनके पास लोग आते हैं, हर एक के मसले को देखते हैं, हमारा चाहे कोई छोटा है कोई बड़ा है, हम लोगों के लिए जीते हैं, हमारी पार्टी का मकसद है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मकसद है कि हम खुद के हिसार में ना रहे, खुद के उस दायरे में ना रहे, बल्कि अपने हिसार को फुलांग कर अगले तक पहुंचने की कोशिश करें, अगले आदमी तक पहुंचने की कोशिश करें। हम चाहते हैं हमारी बहनें यहाँ पे हैं, जिस तरह से हम जब भी बात करते हैं आबिद साहब से, इनको फिक्र रहती है किसी न किसी इलाके की। हम चाहेंगे कि ऐसे लीडर्स जो हमारी जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो आगे बढ़े और लोग आज की डेट में तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, बीमारियों से नजात चाहते हैं, फसाद दंगों से नजात चाहते हैं और तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, जो हमारी पार्टी का मंशूर है। हम तरक्की के लिए जीते हैं, नौजवानों के लिए जीते हैं, हम बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर फिर से आबाद हो जाए, यहाँ फिर से जन्नत बने और बीमारियों से भी आज के दिन हम मुक्ति पाएं।